फ्रेंड्स, भारतीय क्यूजिन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपको बताऊंगी गट्टा पुलाव। आइए देखते हैं इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें चाहिएगा एक बड़ा प्याला। हमने चावल उबले हुए ले लिए हैं, गट्टे बने हुए ले लिए हैं जिनको हमने कट करके रख लिया है। इसकी रेसिपी मैंने पहले आपको बता दी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। चाहिएगा हमें सजाने के लिए धनिया और मिर्ची, और इसमें मसाले डालेंगे हींग, जीरा, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला। बनाना चालू करते हैं और बनाएंगे इसे देसी घी में। गैस ऑन करते हैं। जी, गैस ऑन कर दिए मैंने। इसमें डाल देंगे घी, ये डालेंगे 2 चम्मच घी। घी हमारा गरम हो गया है और इसमें डाल देंगे 2 लौंग, 1 मोटी इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता। ये हमारे चावल को फ्लेवर भी देंगे और इससे चावल जो है नुकसान भी नहीं करते, हैवी भी नहीं रहते। डालेंगे 2 पिंच हींग, जीरा, लाल मिर्च और डाल देंगे थोड़ा सा पानी। डालेंगे धनिया, 2 चम्मच डाल दिए। आधी चम्मच हल्दी और 3/4 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे गट्टा, गट्टे डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें डालेंगे ये हमारे उबले हुए चावल। वाओ, देखिए कितना सुंदर खुशबू, खूब सुंदर दिख रहा है और अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। बनकर तैयार हो गई है हमारे गट्टा पुलाव। अगर उबले हुए हों गट्टे और चावल दोनों, तो 5 मिनट में सब बनता है रेसिपी। निकाल लेंगे एक बाउल में। अब इसको और टेस्टी बनाने के लिए डाल देंगे इसमें गरम मसाला, जो इसमें अच्छा फ्लेवर देगा, और सजा देंगे हरी मिर्ची से। आप चाहे तो इसमें काजू किशमिश भी डाल सकते हैं। रिच बनाने के लिए इसको काजू किशमिश भी डाल सकते हैं आप। सजा दिया हमने धनिया पत्ती से। बनकर तैयार हो गए हमारे गट्टे के पुलाव। आप लोग भी इसे बनाकर देखिए और अपने अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर से बना के देखिए ये गट्टा पुलाव की रेसिपी और अपने अनुभव मुझे प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए।